एमसीयू के कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की रिलीज डेट सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल की प्रेजेंटेशन के दौरान फेजी सर ने हम सभी मार्वल फैंस को बता दी। एंथनी मैकी कैप्टन अमेरिका का नया चेहरा होंगे। उन्होंने सैम विल्सन, जो कि फाल्कन के रूप में भी जाने जाते हैं, जो पहली बार 2014 के कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में दिखाई दिए थे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी मसाला में, जहां मिलेगी आपको मूवीज और सीरीज से रिलेटेड लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरें। तो फिल्म एवेंजर्स एंड गेम खत्म होने से पहले सैम विल्सन ने न्यू चैप्टर अमेरिका का कैरेक्टर स्वीकार कर लिया था। मैं आप सबको एक बार ये याद दिला दूं कि स्टीव रॉजर्स, जिसको क्रिस इवांस प्ले करते थे, उन्होंने सैम विल्सन को अपनी फेमस और आइकॉनिकल शील्ड दे दी थी, और इसी के साथ उन्होंने कैप्टन अमेरिका का मैंटल भी सैम विल्सन को सौंप दिया था। अब जब फाल्कन कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर निभाएंगे, तो फैंस इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड है कि वो आने वाली कैप्टन अमेरिका की सीक्वल्स में दो पर्सोनास को कैसे पोर्ट्रे करेंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जूलियस ओना को कैप्टन अमेरिका की चौथी मूवी के लिए डायरेक्टर के रूप में साइन कर लिया गया है। कॉमिक कॉन में हाल ही में पैनल के दौरान मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन ने इस बात की पुष्टि करी। नई कैप्टन अमेरिका मूवी हाल ही में सामने आई है, फेज 5 के टेल एंड पर होगी, जो थंडरबोल्ट्स के पहले 3 मई 2024 को सभी सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। द प्लॉट इज अप ऑन द एयर। जी हाँ, अभी अभी इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई है, और वैसे भी हमें पता है मार्वल की मूवीज का क्रेज इंडिया में कितना ज्यादा है, तो तभी से इस मूवी की बातें शुरू हो गई है। देख सकते हैं ये शायद फॉर्मर कैप्टन अमेरिका क्रिस एवेंस ने क्लियर किया कि विल्सन कैप की यूनिफॉर्म के लिए बिल्कुल रेडी है, जब ऐसा लग रहा था कि स्टीव रॉजर्स वापस आ सकते हैं, तो ऑनलाइन कुछ बातों में सामने आया। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में ये क्लियर तौर पर कैप्टन अमेरिका के रूप में सैम विल्सन को चुन लिया गया है, वो भी जॉन वॉकर, जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कैप्टन अमेरिका थे, जिसके कैरेक्टर वॉर्ड रसल निभा रहे थे। कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एमसीयू की आने वाली कई सीरीज में से एक है, और अभी इसकी ज्यादा न्यूज अभी हम लोगों के सामने नहीं आई है। कास्ट की बात करें तो अभी सिर्फ एंथनी मैकी, जो कि कैप्टन अमेरिका का किरदार निभाएंगे, वो ही कंफर्म हुए हैं, और हो सकता है इस मूवी में वॉर्ड रसल, जो जॉन वॉकर का कैरेक्टर निभाएंगे, वो इस मूवी में वापस आ सकते हैं। और हाँ, विंटर सोल्जर को भी हम लोग कैसे भूल सकते हैं, मे बी इस मूवी में वो भी रिटर्न करे। आखिर सैम विल्सन और बकी बार्न्स इतने गहरे दोस्त जो है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कैप्टन अमेरिका की आने वाली सीक्वल मूवी के बारे में जानकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।